कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। और 3 दिन के बाद वेलकम बैक। अच्छा, 3 दिन कहाँ थे, क्यों थे? काम की मसरूफियत थी और कुछ भी नहीं था। और डिटेल ये मैं नहीं बताऊँगा, आस्ता आस्ता आपको पता चल जाएंगी चीज़ें क्या है क्या नहीं होता है। आपका भाई फुल वेल्डिंग वाला बन के निकला। कैसे हैं सर? खैरियत से? ठीक ठाक है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैकेनिक साहब ये बस वैसे ही गाड़ी वाली खराब हो जाती है, हमने असल में पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इससे आप अखरोट भी तोड़ सकते हैं। ये तो हम खाते हैं वो वाले अखरोट, वो भी टूट जाएंगे, वो भी टूट जाएंगे खाने वाले अखरोट। ग्रेनेड ग्रेनेड। देख लीजिएगा। वकार भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? ठीक ठाक है। पीटर तो नहीं ला, सलवार कमीज पहनी पीटर। सलवार नाम है पीटर, वह पीटर पीटर वह पीटर कॉमेडी और ये कॉमेडी। सर ये बनवा दो कुछ करो, इतना बड़ा नाम। सर ये बनवा दो, छोड़ो ये बनवाओ कुछ करो। सर ये बनवाओ, ये क्या, ये क्या, ये अबे भाई चांद के मजे हैं ये। तुम्हें पता नहीं है स्पेशली बनवाई गई है खड्डे, ये जो इलॉन मस्क कर रहा है ना, हम स्पेस मार्स पे लेके जाएंगे। अबे बच्चे हैं कल के, यहाँ पे आओ तो सही ना, पहले गाड़ी रवाना कर ले यहाँ पे ताकि चांद पे सही चल सके। भाई वहाँ जाने की आपको तलब ही नहीं रहेगी, हम बता रहे हैं यहीं पे सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो ना, ऑक्सीजन भी पूरी आ रही है, आपको एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं पहनने पड़ रहे, लाखों रुपया भी खर्च नहीं हो रहा, टाइम भी नहीं लग रहा। अब आओ तो सही, सिर्फ गियर लगाओ। बेहतरीन बेहतरीन भाई, एक गाड़ी में चार बंदे, ये सर्विस भी हम देते हैं, ये गाड़ी ये भी सर्विस हम देते हैं। 200 रुपए बंदे का टिकट है, वो कहाँ $2,00,000 लेगा इलॉन मस्क ऊपर ले जाने के। $2,00,000 बताओ, देखे भी नहीं होंगे, हर गरीब आदमी की रसाई है। 200 रुपए में चांद की सवारी, और लोग कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई है। पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से 250 रुपए लीटर पेट्रोल है और 200 रुपए में चांद की सवारी है। चांद पे कॉलोनी बना, चांद पे कॉलोनी नहीं कॉलोनी बना रहे, बनानी पड़ेगी। मेहमान आएंगे जाहिर सी बात है, उनके लिए कहाँ रुकेंगे, आराम का होनी चाहिए उनके लिए। रेस्टोरेंट बनेंगे, देखिए पान के केबिल लगेंगे, बस स्टॉप बनेगा उनके लिए, बहुत सारी केबिल। जैन भाई हटवाओ, चांद पे भी थूकना शुरू कर देंगे गुटका मावा। मेरी जान, अच्छा जमीन में थूकेंगे ऊपर से नीचे। ये बताया चांद की जमीन से निकल के रोड पे आ गए तो इंसान बन जाए। चले जी, मिलते हैं आपसे जरा सी देर में इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब और मैकेनिक, डॉक्टर मैकेनिक, मैं कल से घूम रहा हूँ 2 दिन से वकार भाई के साथ। क्या क्या करने के मामलात में बिजी, हम अपने मामलात में। एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, ठीक है, किस लिए? तो बच्चों को समझने के पंच तो नहीं कहेंगे, खस्सी करने के लिए, ठीक है। इस प्रोसेस को कुछ और कहते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा। तो नया तरीका है, इंग्लिश तरीका, नया तरीका कोई नहीं कर रहा अब तक, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अभी एक पहला अटेम्प्ट करेंगे, पीछे फार्म है उस पर जो है ना करना था बछड़ा खस्सी। उस दिन जो वीडियो में आपने बोला था मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते थे, तो ये आ गया मैकेनिक की दुकान पे। मैकेनिकल इंजीनियर और जो है ना फालतू डॉक्टर करते हुए पंच से हम करेंगे इससे। अभी दिखाते हैं आपको प्रॉपर एक पूरा सिस्टम है इंशाल्लाह। चल कोशिश करते, डॉक्टर साहब हटाओ। व्हाट इज दिस? लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जी, लगता तो है किसी जमाने में जिंदा था ये। सांस तो ले रहा है, रीढ़ की हड्डी में लगाएंगे। ढूंढ रहे हैं कुछ बकरे में, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी ना, अपने बाल तो किए थे करने के लिए, अपने बाल तो खींच खींच के निकाले थे। अच्छा जी, सर्जिकल ब्लेड डॉक्टर साहब जी, सर्जिकल ब्लेड से डॉक्टर साहब जो है वो अभी थोड़ा सा जगह बनाएंगे, जगह बनाने के बाद फिर अपनी राइफल लगाएंगे। राइफल
उधर खून आ रहा होगा ना, खून नहीं आ रहा। अरे 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 डॉक्टर साहब क्या बात है, ये देखिए आ गए औकात से बाहर। कटाकट तो खाया होगा आप लोगों ने, इसी का कटाकट होता है। आपने वो बड़ा काम किया ना, यूं कर ये जो आपने इशारा किया ना, ये इशारा कर दें, ये इसके चार्जेस। ब्लडिंग हुई? कोई ब्लडिंग नहीं है। जख्म आपने सिर्फ स्प्रे मारना है 3-4 दिन, ये खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और एक सिर्फ मेलोक्सिकन देते रहना है आपने 3-4 दिन सिर्फ पेन के लिए, समझ रहे? बस उसके बाद ये खुद ही ना सूजन ना कुछ ना मसला, कुछ भी नहीं, ठीक है भाई छोड़ो इसको। चलो भाई उठ जाओ, आज से तुम जो हो वो नाक की पुंछी। क्या करो, इंजेक्शन लगा रहे हो? फालतू डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हो, हम तो ऊपर से घुमा देते हैं, बशर्ती को जाता है, बस हो जाता है। ये देखो ये बस हो गया। अच्छा इधर मजदूर नहीं है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं खुद कर लूंगा आराम से। डॉक्टर साहब दुकान में लगाना पड़ेगा, साल हराम चढ़ दिए। कोई छोड़ो, चलो डॉक्टर तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। अब तो काबू हो गया, साथ पहुंचो, आज मेहरबानी करूंगा तेरे मुझे मठा। पकड़ लूं पकड़ के खींच ले। साथ पहुंचो, आज कौन आना, दो नशे में आ रिकॉर्डिंग। अरे डॉक्टर चील पोयो ऑयल ती तीसरे में तुम चौथे में गुम। नहीं डॉक्टर, बछड़े के मानस से अगर मरते तो अब डॉक्टर कब्रिस्तान में होता। कोई बात नहीं उस्ताद, थोरो अरे डॉक्टर मेरे ऊपर ना आ जाओ। अरे उस्ताद करे उस्ताद, अरे अरे चिकन के रस के अब कोई बात उस्ताद जन विशेष चिकन वन जा मारे तो कौन अरे 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 लगी उड़ते उड़ते परते पोयो पोयो ऑयल तीसरे में इंजेक्शन चौथे में गुम। पहले में सुन, दूसरे में सुन, पहले में इंजेक्शन, पहले में टुन, पहले में इंजेक्शन, दूसरे में सुन, तीसरे में टुन, तीसरे में गुम, पोयो ऑयल। ये सही लिया, पोयो ऑयल इसमें ऐसे नहीं है, ऐसे 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 शुरू से। पहले में क्या, पहले में इंजेक्शन, दूसरे में सुन, पहले में इंजेक्शन ऐसे, हाँ ये नहीं है, पहले में इंजेक्शन, दूसरे में सुन 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 सुन, दूसरे में सुन, तीसरे में तीसरे में टन, चौथे में गुम। पोयो डॉक्टर, पोयो डॉक्टर, चलो आ जाओ लाइट लगाओ डॉक्टर पोयो कान में। तुम तो अच्छा है, अगर तुम पकड़ लेंगे तो पकड़ लिया, कुछ हेल्प जाएगी। अच्छा जी ठीक हो गया, खून तो नहीं आएगा तो भाई नहीं, पूरा ऊपर चढ़ा के वो खाल काटो ना। जैन भाई आप आएंगे जरा हेल्प करें, ये देखें अब इतना से इसमें कट आ गया। मैं कॉटन दीजिएगा, मैं जरा ब्लड से वो साफ करके और उस्मान भाई को जरा दिखा दूं। वैसे जब अगर बड़ा कोई होता तो उसमें फिर आप वो स्टिचेस लगेंगे, स्टिचेस भी, हाँ स्टिचेस लगेंगे जैसे बड़ा बछड़ा था। दीजिएगा जरा कॉटन दीजिएगा, मैं जरा उस्मान भाई को दिखा दूं। ये उस्मान भाई ये दीजिएगा वीडियो, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी तो ये लगा दिया कॉटन, ये इतना सा कट लगा है, सिर्फ 2 इंच का कट है। और अगर ये बड़ा हो तो इसकी सिलाई भी कर देंगे, बछड़ा बड़ा होगा तो स्टिचेस लग जाएंगे उस पे, ठीक हो गया। मैकेनिक टेलर डॉक्टर सब जो केयर है ना वो बहुत कम हो जाती है, और इजी हो जाता है, जानवर टूटेगा भी कम, जख्म भी खराब नहीं होगा। आपको 15-20 दिन जो आप राशन बंद करते हैं, नस ना खुल जाए उस डर से, वो नहीं करना पड़ेगा, सूजन नहीं आएगी, बर्फ का पानी नहीं लगेगा, सूजन के इंजेक्शन नहीं लगेंगे, जानवर बहुत सारे स्ट्रेस से बच जाएगा। डन हो गया, डन ठीक है सर जी। हाँ ये है, और बाकी जो फार्मर्स के पास जो अगर वीडियो पहुंच रही है, अगर कोई फार्मर देख रहा है और इस तरीके से उसको खसी कराना है
डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो नहीं मालूम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले अपॉइंटमेंट। हाँ, 15 दिन कम से कम आपको जो है ना वो चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो रूटीन होती है उसका पता नहीं होता। तो बाकी अगर कोई फार्मर देख रहा है और उसको रब्ता करना है इस सिलसिले में, थोड़ा सा प्रोसीजर कॉस्टली है, लेकिन एक और भी शॉर्टकट सिलाई के मुझे एल्फी लगा अगर हाँ अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, आप कह रहे हैं नहीं सिलाई नहीं करो दानवर को तकलीफ होगी, तो UHU भी रखते हैं डॉक्टर साहब, UHU भर के बंद खत्म चिपका दी। डॉक्टर साहब खोल दें अभी इसको। अरे वो हाँ जी, 3 दिन के बाद फार्म आ गए हैं वो। अरे डॉक्टर साहब आपने वो दिखाने क्यों नहीं दिया यार प्रोसीजर जो आपने इतना मेहनत से गन बनाया था। मैं नहीं, बस वो आम बंदे के बस की बात थोड़ी उसके ऊपर यार, हिसाब किताब से। अगर किसी को करवाना हो तो क्या, अगर किसी को करवाना हो गन से पंचर, वो पंचर टेस्टिकल को बॉडी से आउट करना होगा, बिल्कुल पक्का हो जाता है गन से, बिल्कुल ना मेडिसिन का खर्चा ना जो ठंडा पानी मारो 8-10 दिन तक, ठीक है। ये जो बात डॉक्टर साहब आपने अभी इधर क्या, इसके अंदर जो है ना फार्मर भी दिल जिगर वाला होना चाहिए। उसका क्या, इसका क्या, ये जो अभी क्या, ये कुछ बछड़ों को पंच किया था 2-3 दिन पहले, तो आज उनको जो है ना कुछ पेन किलर और स्ट्रेस रिमूवर और कुछ जो है ना क्या कहते हैं उसको यार, क्या कहते हैं उसको, फालतू डॉक्टर सूजन के मिश्रण। वो तो फालतू डॉक्टर लगाते होंगे, तो बोतलें ले लो हाथ में घुमा देना उनके ऊपर से। अच्छा जी, तूड़ी भी उतर गई है और उसके बाद मट्टी भी आ गई है, अंदर पेड़े भी बन गए हैं, कुछ मट्टी बाकी है। चलें पीछे चलें, बछड़ों से तो मिल लिए, लड़कों से तो मिलते रहते हैं, लेडीज सेक्शन में, लेडीज सेक्शन में चल के देखते हैं। लेडीज सेक्शन में हर कोई जाने नहीं देता ना, तो हम इधर ही चले जाते हैं लेडीज सेक्शन में। बाय बाय लेडीज सेक्शन। आहा लेडीज सेक्शन में एंट्री, ये मेरी लेडीज। हाय लेडीज, उठो। ए लेडीज, अच्छा वाले तो, अच्छा वाले तू। अच्छा नहीं मिलना, कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। हाँ क्या क्या, फौरन होशियारी है, फौरन होशियारी है, फौरन होशियारी, फौरन होशियारी, बैठ जाऊँ तुम्हारे ऊपर है, फौरन होशियारी, फौरन। हमने कहा सुस्ती देख रहे हैं आप, ये देखें इनके काम देखें। उन्होंने कहा आप बैठ जाएं, मैं नहीं हिलूँगी, मैं नहीं हिलूँगी, चम्मा लगा लो तुम, एक काम करो मेरा चम्मा लगा लो, चम्मा लगाओ, कैसी लगी चम्मा लगा के। ओ माय गॉड, ये गिड़िया इधर तो टूट जाएगा, इधर इधर लो, इधर लो चश्मा वापस लो, हाँ वापस लो, टूट जाएगा। अब हो गई दोस्ती है, अब हो गई दोस्ती, आ जाओ दोस्ती हो गई तो आ जाओ। हाँ तुमसे तो दोस्ती है ही नहीं, आ रही हो क्यों, फटक तुम गाड़ी में लव यू ओसा, मारो आ बैल मुझे, मार आ बैल मुझे, मार हाँ निकाल पकड़ लूँगा, निकाल निकाल पकड़ूँगा, निकाल ले पकड़ लूँगा, निकाल निकल निकल पकड़ू, निकल निकल पकड़ू, निकल पकड़ू, निकल पकड़ू, चलो बाल हटा, आफ्टर लॉन्ग टाइम बगैलू डॉक्टर साहब, बॉस क्यों ले लिया, खाना खाएंगे बाद में, खाना खाएंगे पहले बाद में बात करेंगे। दिस इज बीफ, बीफ कबाब, दिस इज चिकन, चिकन मलाई बोटी, मुझे चिकन मलाई बोटी, ऐसा खून लगा हुआ, ये उस चीज़ का, उस चीज़ का जगह खून करके आया, निकाल दिया इसको जगह से, निकाल दिया। आज का साथ यहीं तक का था, और यहाँ से आपसे वीडियो से लेते हैं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम सर, उसकी वजह क्या थी, अस्सलाम वालेकुम सर के साथ दूसरे वाले थे ना, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दूसरे, अच्छा ये वाला हट बैठा हुआ था जो खड़ा था मेरे साथ। फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।